तो आज की कहानी एक ऐतिहासिक विरासत की, जो अपनी तामीर की 5 सदियों में जाने कितने सियासी उथल पुथल और हुकूमती फरमानों के गवाह बनी, लेकिन उसके गवाही कभी अपने वजूद के काम नहीं आई। सदियों के साथ वो लजती गई, सियासी विवाद में वो बढ़ती गई, मस्जिद और मंदिर के दावों में। आज वो एक बार फिर से सुर्खियों में है, देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के बाद, जिससे सियासत के कई चेहरे नए सिरे से आरोपित होते हैं। आरोप ये कि कहीं ढांचे का विध्वंस किसी साजिश का नतीजा तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। ये वो कहानी है जो हिंदुस्तान की सियासत में मजहबी दखल के लिए दरवाजा नए सिरे से खोलती है। अयोध्या की उस जमीन पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की पैरोकारी सियासत की धरा को 2 धड़ों में गोलबंद करती है। इस पर बहस सियासी भी शुरू होती है और सुनवाई अदालती भी चलती है, लेकिन समाधान का सिरा इसके विध्वंस के 25 साल बाद भी नहीं मिला। तो आखिर उस विवाद की कहानी अपने किस पन्ने में उलझी है? जब सदी आज किस जबान से, मैं तो 2 बार कह चुका कि जबान शुक्र अदा करूं कोर्ट का कि उसने जस्टिस जिसको कहते हैं सही इंसाफ दिया है। बाबरी विध्वंस में आपराधिक साजिश का यह सवाल ऐसे समय में उठा है जब मस्जिद और मंदिर का मामला नए सिरे से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। वो गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के हर मंच से सुनी गई। मसला भले ही बीजेपी के घोषणा पत्र के निचले पन्नों में दर्ज हो, लेकिन चुनावी रण में मंदिर निर्माण का सुर सबसे मुखर रहा। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि आज ये कहीं कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, आम जन की भावना है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आप चिंता न करिए, इसलिए मैं आई हूँ कि हमारा मिशन, ये योगी जी ने सत्ता संभाली है ये तो पूरा हुआ, लेकिन अगला जो मिशन है वो राम मंदिर का मिशन। हिंदू है हिंदुस्तान।
ऐसे सियासी मंसूबों के बीच आपराधिक साजिश का मामला पूरे विवाद की कड़ियां नए सिरे से खोलता है। मेरा ये कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। बेशक 25 साल पहले जो भी हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, हजारों की तादाद में मौजूद कार सेवकों के हाथों हुआ, और उस दौरान मंच पर मौजूद मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णुहरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा और लाल कृष्ण आडवाणी के सामने हुआ। ये सारे नाम तब की दर्ज की गई सीबीआई की चार्जशीट में शामिल किए गए थे। इन पर आपराधिक साजिश में शामिल होने के सुराग भी सीबीआई की उसी जांच के दौरान सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कहा जाता है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है, ये तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ और देश भर में मुसलमानों को भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, किसी एक मुसलमान के साथ भी कभी अन्याय नहीं हुआ। 6 दिसंबर 1992 की उस घटना में वो शायद साजिश के ही सुराग थे, जिसके साथ सियासत के मंसूबे और इसे लेकर अयोध्या की आशंकाएं बदलती चली गईं। मंदिर और मस्जिद को लेकर दलीलें अब दोनों तरफ से उग्र हो चली थी। सियासी तनाव के बीच मजहबी टकराव की घटनाएं उस दौर में बढ़ती चली गईं। 1990 के उस दशक की वो उथल पुथल आजाद हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल मानी गई। वो दौर अपने हिंसक रूप से तो उभर गया, मगर मजहब को लेकर जनमानस की संवेदना दो धड़ों में बट गई। अयोध्या का मसला सियासत का सबसे बड़ा एजेंडा बन गया। बहन ने तलवार देना अपने आप में इतिहास बनता है। बोलो श्री लाल कृष्ण। उस बदलाव के बड़े नायक लाल कृष्ण आडवाणी बनकर उभरे। 90 के दशक में नए राष्ट्रवाद और मंदिर आंदोलन का ऐसा अगुआ जो अयोध्या में मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाता है, उसके लिए रथ यात्रा कर जन जागरण करता है। रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? अयोध्या की कहानी उसी रथ यात्रा के साथ बदलनी शुरू होती है। इस बात का जिक्र तब सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में किया था। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद कार सेवकों पर दर्ज हुए मामलों की जांच करते हुए सीबीआई ने महसूस किया ये एक दिन की औचक घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ी तैयारी है। वही तैयारी अदालती सुनवाई में आपराधिक साजिश के तौर पर शामिल हुई। इसके आरोपों के घेरे में आडवाणी समेत दर्जन भर नेताओं का नाम आया। इनसे पूछताछ हुई, अदालत में सुनवाई हुई। बीच में अदालत का एक फैसला ठोस सबूतों के अभाव में आपराधिक साजिश का मामला हटाने का भी आया, लेकिन साजिश के आरोप शायद इतने कमजोर नहीं थे। अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मंदिर आंदोलन के उस उफान पर आडवाणी का बयान तब ऐसा सुना जाता था। तब यह आंदोलन बीएचपी और बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी संगठनों का हुआ करता था।
इसके अगुआ अशोक सिंघल और बजरंग दल के युवा अध्यक्ष विनय कटियार सरीखे लोग हुआ करते थे। बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी संख्या। ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूँ, मैं नेशनलिस्ट वोट बैंक। लेकिन उस दौर के बदलते सियासी समीकरणों ने लाल कृष्ण आडवाणी को इसका सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। इसकी बुनियाद 1989 के आम चुनावों में पड़ जाती है, जिसमें 9 साल पुरानी बीजेपी को 85 सीटें मिली। पार्टी ने मान लिया, वीएचपी के राम मंदिर आंदोलन का समर्थन जनता ने स्वीकार कर लिया। हमने कभी उस समय सोचा भी नहीं था कि कोई राजनीतिक दल इसमें आएगा। भाजपा की उस समय एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या भूमिका थी, ये भी हमारे दिमाग में कभी नहीं रहा। और अगर प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? जन्म स्थान है। अयोध्या की गलियों में राम मंदिर निर्माण का एक बड़ा हिमायती सियासत से भी मिल गया। ये हिमायत पार्टी की सेहत के लिए फायदेमंद थी। ये 1989 के चुनावों में दिख चुका था। 2 की जगह 85 सीटें जीतकर बीजेपी तब वीपी सिंह की जनता सरकार को समर्थन दे रही थी। उधर मंदिर आंदोलन अपने पूरे उफान पर था। सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। आंदोलन की आंच से सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ने लगा था। अयोध्या में उपद्रव और दूसरे इलाकों में भड़की हिंसा में अनुमान के मुताबिक 800 लोग मारे जा चुके थे। लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी का रुख मंदिर निर्माण को लेकर जस का तस था। Why not the government of India adopt the same attitude to Ayodhya which the first government of free India adopted towards Somnath. Pandit Nehru or Maulana Azad did not become communal on that account because they recreated Somnath. BJP ke us rukh ko Advani ke roop mein chehra mil gaya. वो आडवाणी सितंबर 1990 में सोमनाथ से रथ लेकर मंदिर के लिए जन जागरण करने निकल पड़े। तब बीजेपी के समर्थन से चल रही जनता दल सरकार और उसके प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आडवाणी की रथ यात्रा का रुख नहीं मोड़ सके। वो रुख मुड़ता भी कैसे? जानकार कहते हैं वो रथ यात्रा तो खुद वीपी सिंह के मंडल आयोग की सिफारिशों और पिछड़ों को 27% आरक्षण जैसे दांव का जवाब था। उस ऐलान के साथ वीपी सिंह बहुसंख्यक जनता के मसीहा बनकर उभरे। तब बीजेपी ने मंडल की राजनीति का जवाब कमंडल से दिया। वाजपेयी अटल वाजपेयी भाई ने कहा कि अगर मंडल ना होता तो कमंडल ना होता, तो इसका मतलब है कुछ तो आपस में उसका जोड़ था। पर मुझे याद है वाजपेयी साहब ने ये अल्फाज कहे थे। तो उसी मंडल और कमंडल की व्यू रचना में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद हिंसा के नए अध्यायों से भरता चला गया। इसके एक तरफ धर्म का परचम और उसका उन्माद था, तो दूसरी तरफ खुद को धर्म निरपेक्ष बताने वाली सरकारों की कोशिशें। तब केंद्र में वीपी सिंह, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव ऐसी सरकारों के मुखिया थे। अयोध्या में बढ़ती कार सेवकों की तादाद को देखते हुए मुलायम सिंह ने पहले ही अयोध्या की घेराबंदी कर रखी थी। उस दौरान पुलिस और कार सेवकों के बीच झड़पें हुई, आडवाणी की रथ यात्रा चलती रही। बिहार पहुंचते ही इसे लालू प्रसाद यादव ने रोका, आडवाणी गिरफ्तार किए गए, मगर इसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ी केंद्र की वीपी सरकार को भी और 2 साल बाद बाबरी मस्जिद को भी। हमारे द्वारा और भी जो माननीय अशोक जी सिंघल, आचार्य गिरिराज राजकिशोर जी, इन सब के देख रेख में काम चलता रहा और मैं समझता हूँ कि वो जो कार्य हुआ वो बड़ा अद्भुत था। ये नगर हिंदू मान्यताओं में भगवान राम की जन्मभूमि है, लेकिन मुगल काल में ये नगर बाबरी मस्जिद की वजह से मशहूर हुआ। ये इतिहास 500 साल पुराना है, लेकिन 19वीं सदी में इसके वजूद को लेकर जो दावा बदला
उसने नगर के साथ देश की सियासत में भी भूचाल ला दिया। विवाद की सुख बुगाहट उस नगर में सुनाई देने लगी जो सरयू नदी के किनारे बेहद शांत दिखता है। अपने अंतर में अयोध्या है ही ऐसी नगरी, इसकी तबीयत को बाहरियों का तेवर कभी रास नहीं आया। अपनी बुनियाद के साथ ही इस नगर ने किसी के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा, तभी तो इसे अयोध्या यानी वो नगर जिसे जीता ना जा सके जैसा नाम मिला। अपने सुलगते वर्तमान के बीच भी अयोध्या का अतीत कुछ ऐसे बोलता है। उसके झरोखों से गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी नजीर झांकती है जिसका गुमान इकबाल जैसे शायर भी बयान कर गए। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल जैसे शायर राम को अयोध्या का इमाम बता गए, और ये बात आजादी के पहले की है। उस दौर में भी मंदिर और मस्जिद का वजूद अपनी जगह को लेकर उलझ चुका था, मगर शायर इकबाल की वो मिसाल अयोध्या का माहौल कुछ और बताती है। वो माहौल आज जैसा उग्र नहीं था। अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए पूजा पाठ की अलग जगहें तय थी। अपने अपने वक्त अजान और राम का जयकारा दोनों गूंजता, इसमें शरीक दोनों समुदाय के लोग होते। मुस्लिम घरों में रामलला के कपड़े सिलते, खड़ाऊ बनते, रमजान के रोजे भी हिंदू महंतों की मौजूदगी में खत्म होते। वो मिसाल तो कायम आज भी है। मजहबी मेलजोल की उस मिसाल में कुछ नाम बाबू भाई जैसे मुस्लिम कारीगर और हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञान दास जी जैसे लोगों की है। बाबू भाई आज भी रामलला के कपड़े सिलते हैं, तो महंत ज्ञान दास उनके घर अक्सर हनुमान चालीसा सुनाने जाते हैं। तो फिर राम रहीम की साझी विरासत बिखरी कैसे? देश आजाद होते ही नमाज और राम नामी के बीच भेद कैसे बढ़ने लगा? मजहबी आस्था का वो साझा समूह गान तो अयोध्या में मंदिर और मस्जिद के बीच खिंची लकीर के बीच भी सदियों से सुना जा रहा था। वो समूह गाने देश के आजाद होते ही धर्म के एकालाप में बदल गए। वो साल था 1949। तब तक देश को आजाद हुए 2 साल हो चुके थे। देश के बंटवारे के साथ जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, अपने अपने धर्म को लेकर विचार कट्टर हुए। उसी माहौल में महात्मा गांधी की हत्या हुई, हिंदू महासभा जैसे संगठनों का परचम लहराया, और 1949 के उस साल अयोध्या में एक चमत्कार भी हुआ। ऐसा उस दौर के साधु संतों ने दावा किया। 22 दिसंबर की उस सर्द रात बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, मगर सच कुछ और था। अगले ही दिन अयोध्या पुलिस ने जो FIR दर्ज की, उसमें संत अभिराम दास, राम शकल दास और सुदर्शन दास को नामजद किया गया। आरोप लगा ये 3 लोग अपने 50-60 समर्थकों के साथ आधी रात को विवादित परिसर में घुसे और भगवान राम की मूर्ति रख दी। पुलिस के मुताबिक ये पूरी कवायद धार्मिक माहौल बिगाड़ने, धर्म स्थल को अपवित्र करने का काम करती है। उस विवाद के साथ मस्जिद में ताला लग गया। अंग्रेजों की बनाई वो व्यवस्था खत्म हो गई जिसमें दोनों समुदायों को नमाज और पूजा की मंजूरी मिली थी।
एक साथ पूजा और नमाज की वो मंजूरी अंग्रेजी हुकूमत ने दरअसल साल 1850 के दशक में हुए दंगे फसाद को देखते हुए दी थी। वो सिपाही विद्रोह का दौर था। वो विद्रोह तो अंग्रेजों ने कुचल दिया, मगर धर्म को लेकर संग्राम की जो धारा उस दौर में जोर पकड़ चुकी थी, उसे अंग्रेज भी भांप नहीं पाए थे। तब तक इतिहास ये कहता था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने हिंदुस्तान की गद्दी संभालते ही सन 1528 में कराया था। हालांकि इस मस्जिद का जिक्र बाबर नामा जैसी किताब में नहीं मिलता, कुछ शिलालेखों में इस बात का जिक्र जरूर मिलता है। मस्जिद का निर्माण अयोध्या के सूबेदार मीर बाकी ने बाबर के कहने पर किया था। विवाद शुरू हुआ 19वीं सदी में, जब संतों के निर्मोही अखाड़े ने दावा किया ये मस्जिद राम की जन्मभूमि पर उनके मंदिर पर बनाई गई। इसे लेकर पहली बार दंगे फसाद का जिक्र 1853 में मिलता है। वो तनाव बढ़ा तो अंग्रेजी हुकूमत ने दोनों समुदायों के लिए पूजा की व्यवस्था अलग अलग कर दी। वो नगरी जो भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मशहूर है, मगर उसके एक पहलू में बाबरी मस्जिद भी है और उसके विध्वंस का बदनुमा दाग भी। वो निशान 25 साल बाद भी हिंदुस्तान की सियासत में कोहराम मचाता है। उसका मसला बहुमत के आंकड़े तय करता है। मामला बरसों से अदालत में है, लेकिन कानूनी दलीलों के बीच एक पेच सियासत का भी है जो दल के साथ बदलता रहा है। तब साजिश नहीं, सियासत की रणनीति का केंद्र बन रहा था अयोध्या का ढांचा। ये 1980 का दशक था जब देश की सियासत आपातकाल के दौर से निकलकर धर्म की नई धारा में बहने लगी थी। तब तक कांग्रेस के लिए भले ही ये ढांचा विवादित था, मगर वीएचपी जैसे संगठनों ने तय कर लिया राम जन्मभूमि पर मंदिर के लिए रण अब निर्णायक होगा। इसके लिए सियासी भूमिका भी तैयार होने लगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तब नई नई हुई थी। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का परचम तब विश्व हिंदू परिषद की पताका के साथ लहराता था। इसके लिए वीएचपी ने बाकायदा धर्म संसद तक का आह्वान कर दिया था। अप्रैल 1984 दिल्ली में वीएचपी की धर्म संसद। राम जी को संग ले, देख ले, मंग ले। धर्म संसद दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाई गई थी। संघ और वीएचपी नेताओं के साथ उस संसद में 500 साधु संत हिस्सा ले रहे थे। उस बैठक में मसला था धर्म परिवर्तन का। जिस तरह साल 1981 में तमिलनाडु के गांव मीनाक्षीपुरम में हुआ था, गांव के 200 दलित परिवारों ने एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया और गांव का नाम मीनाक्षीपुरम से रहमत नगर रख दिया। इस घटना के विरोध में वीएचपी और संघ के तेवर सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे थे और इसके साथ धर्म रक्षा का अभियान भी तेज हो रहा था। साधु संतों की वो धर्म संसद उग्र होते उसी अभियान का नतीजा थे। उस संसद में धर्म की रक्षा के साथ राम मंदिर के निर्माण का भी प्रण लिया गया। उस प्रण के साथ वीएचपी अयोध्या में नए ध्येय के साथ उतरी। सितंबर 1984 में उसके हजारों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाइक रैली की। सरयू नदी के किनारे एक नई धर्म संसद बिठाई गई। उस बैठक में हजारों की तादाद में साधु संत अयोध्या पहुंचे। उसी बैठक में हिंदू संगठनों ने मंदिर निर्माण के लिए समिति बनाई। तब वीएचपी की योजना थी कार सेवकों के हुजूम के साथ 31 अक्टूबर 1984 को मंदिर निर्माण की नींव रखने की, लेकिन उसी दिन हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से वो योजना धरी की धरी रह गई। उस हत्या के बाद पूरी सियासत सहानुभूति लहर के साथ चल पड़ी। उग्र होती धर्म की राजनीति और मंदिर आंदोलन आम चुनावों में कांग्रेस को मिली 3/4 बहुमत के पीछे कहीं दब कर रह गए। राजीव गांधी जैसे युवा प्रधानमंत्री के साथ देश की सियासत नई करवट ले रही थी, लेकिन धर्म की जमीन पर उसकी लकीर जस की तस थी। सियासत की मुख्य धारा में हिंदू संगठनों की दखल कम होते हुए भी अयोध्या में उनकी चहल पहल चरम पर थी।
मंदिर को लेकर हिंदू मतों की उस गोलबंदी के बीच एक घटना और भी होती है। वो मामला शहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला के तलाक का था। अप्रैल 1985 में उस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसे अपने धर्म के बीच दखलंदाजी करार दिया। तब राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला एक्ट की वकालत की, जिससे मुस्लिम समुदाय में तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेअसर हो जाता है। वो विधेयक अप्रैल 1986 में पास होकर कानून बन गया। हिंदू संगठनों ने वो मामला अपनी गोलबंदी के लिए इस्तेमाल किया। तब तक बाबरी मस्जिद में बरसों से बंद ताला खोलने का भी अदालती आदेश आ चुका था। इसके लिए दिसंबर 1985 में ही एक वकील ने अदालत में याचिका दी। फरवरी 1986 में उस याचिका की सुनवाई करते हुए फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने मस्जिद का ताला खोलने का आदेश सुनाया। इसके साथ विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिल गई। फिर ये बात ध्यान में आई कि वहाँ ताला पड़ा है 1949 से और अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान ताले में बंद है। तब ये हुआ, पहले ताला खोलो। निचली अदालत के उस फैसले से नाराज मुस्लिम संगठनों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इसके बाद अदालती मुकदमों के साथ सियासी दांव पेंच का भी सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी पहले ही मंदिर आंदोलन को अपना समर्थन दे चुकी थी। 1989 के आम चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोप और घटते जनाधार से दो चार हो रही कांग्रेस ने भी हिंदू वोट साधने की कोशिश की। नवम्बर 1989 में राजीव गांधी सरकार ने विवादित स्थल के पास शिलान्यास की इजाजत दे दी। उस आदेश को तमाम हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी ने भी मंदिर निर्माण मुहिम की बड़ी जीत करार दिया। ये बात 1989 के आम चुनाव में भी साबित हुई। कांग्रेस की करारी हार के बीच बीजेपी को मिली 85 सीटें। मंदिर को लेकर वोटों की गोलबंदी साफ जाहिर थी। तब मंदिर आंदोलन विरोधी जनता दल भी सरकार का समर्थन करते हुए जय श्री राम का नारा बुलंद कर रही थी। वो नारा 1991 के मध्यावधि चुनावों में भी कार कर रहा। '90 के उस दशक में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के परचम के साथ लहराने लगा था। जय श्री राम का नारा उसके हर नेता कार्यकर्ता की जुबान से लगने लगा था। इस हैसियत के साथ बीजेपी सिर्फ सत्ता का समीकरण ही नहीं साध रही थी, बल्कि केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुमत का ख्वाब देख रही थी। वो 1991 का चुनावी रण था, जिसमें बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के आह्वान के साथ उतरी थी। इस आह्वान पर संघ, शिवसेना, वीएचपी और नए नए बने बजरंग दल और हजारों साधु संत लोगों को गोलबंद करने में जुटे थे। उस दौर में कई राजनीति के जानकार भी तब बीजेपी के सत्ता में आने के कयास लगा रहे थे, लेकिन पहले चरण के चुनाव के ठीक बाद 20 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के साथ पूरी लहर बदल गई। उस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला। पीवी नरसिंह राव की अगुवाई में सरकार दूसरे दलों के समर्थन से बनी, मगर 120 सीटों के साथ बीजेपी की बढ़त साफ थी। मंदिर आंदोलन से मिली वो बढ़त भले ही केंद्र में उसे सत्ता में नहीं ला पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिला बहुमत उसकी मुहिम में निर्णायक होने वाला था। तब कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई और इसका असर भी दिखने लगा। शपथ लेते ही कल्याण सिंह अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंच गए। साधु संतों के बीच सूबे के सीएम की मौजूदगी बहुत कुछ कह रही थी। वो बात कुछ ही दिनों में दिखने भी लगी। कल्याण सिंह के निर्देश पर सरकार ने अक्टूबर 1991 में बाबरी मस्जिद परिसर के पास 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। ये जमीन सरकार ने अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर ली थी, लेकिन जुलाई 1992 तक असली मंशा साफ हो गई। उस जमीन पर वीएचपी और संघ नेताओं ने कंक्रीट का 10 फीट ऊंचा चबूतरा बना दिया। तब कल्याण सिंह सरकार ने उस चबूतरे को भजन कीर्तन करने का स्थान बताया था, लेकिन वीएचपी ने उसे प्रस्तावित राम मंदिर की बुनियाद घोषित कर दिया। राम मंदिर की बुनियाद का ऐलान होते ही अयोध्या में
सरकार सेवा की योजना तैयार हो गई। तब तक वीएचपी और संघ के साथ बीजेपी भी देश भर से श्रीराम के नाम से ईंटें जुटाने का अभियान शुरू कर चुकी थी। ईंटों के साथ मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों का चंदा भी मिल चुका था। हालांकि विवादित परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त 1989 में ही दे दिया था, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से अधिग्रहित की गई जमीन पर बने चबूतरे ने काम आसान कर दिया। इस चबूतरे पर मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की तारीख तय हुई 6 दिसंबर 1992। इसके लिए देश भर से लोगों का आह्वान किया गया। ऐसे में आशंका जताई गई बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की। तब कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था वो विवादित परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आखिर वो दिसंबर का महीना आ ही गया। अयोध्या में साधु संतों और मंदिर निर्माण समर्थकों का जमावड़ा पहले से ही था, मगर 6 दिसंबर की कार सेवा के लिए हजारों का हुजूम अयोध्या की तरफ उमड़ पड़ा। उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे संघ, बीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के तमाम नेता। छह दिसंबर तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंच गए। स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बलों की 195 कंपनियां भेजी थी, लेकिन सीबीआई जांच के मुताबिक कल्याण सिंह ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि लोहे की रॉड और धारदार हथियारों के साथ लैस कार सेवकों का हुजूम हमलावर होता दिख रहा था। तब कल्याण सिंह को सलाह दी गई कार सेवकों पर पुलिस बल प्रयोग करने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। 6 दिसंबर की दोपहर तक बाबरी मस्जिद नेस्तनाबूद कर दी गई। इसके आरोपों के घेरे में कल्याण सिंह तो आए ही, सवाल तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की चुप्पी पर भी तमाम उठे। इस हिस्से में हम आपको दिखाते हैं पिछले 25 साल में आए अदालती आदेशों की कहानी। तारीख दर तारीख आखिर मंदिर और मस्जिद का पेच उलझता कैसे चला गया। उलझी हुई तो तस्वीर ही है धर्म की नगरी माने जाने वाली अयोध्या की। इसके एक किनारे पर सरयू की धारा भले ही शांत और स्थिर दिखती हो, मगर इस नगर की गलियों में आहटें तेजी से बदलती हैं। उसकी हलचल नगर से लेकर देश की सियासत में हलचल मचाती है। धर्म की वो आग जो भड़कती है तो हजारों कोस दूर गुजरात तक कहर बरपा जाती है। फरवरी 2002 का गोधरा कांड और उसके बाद भड़के दंगे उसी धार्मिक कट्टरता की उपज माने जाते हैं जो अयोध्या में गहराते मंदिर मस्जिद विवाद के बाद सुलगते गए। अयोध्या की वो विडंबना आज 25 साल बाद भी बरकरार है। अपनी साझी तहजीब में शांत होते हुए भी ये नगरी सियासत की सनसनीखेज साधना बन चुकी है। लेकिन अयोध्या को लेकर सियासत का धर्म राग बढ़ता ही गया। जिस बीजेपी ने 1999 की सत्ता आते ही मंदिर का मुद्दा अपने एजेंडे से हटा दिया, वो साल 2003 में नए सिरे से सक्रिय होती दिखी। वो 2003 में हुई अयोध्या की खुदाई थी जिसमें पुरातत्व विभाग ने बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के होने की पुष्टि की। तब उस रिपोर्ट को लेकर तमाम सवाल उठे थे। इसे लेकर तमाम मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जताई, लेकिन बीजेपी के लिए ये ठंडा पड़ा हुआ मसला अचानक गर्म हो गया। खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। अक्टूबर 2004 में इसका ऐलान लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के मंच से किया। ये सब कुछ तब हो रहा था जब विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। जमीन पर मालिकाना हक को लेकर अदालत में सुनवाई साल 2002 से चल रही थी। तब जमीन पर कानूनी दावे से अलग एक रास्ता आपसी बातचीत का भी खुलने लगा था। इसके लिए तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दफ्तर में विशेष अयोध्या विभाग शुरू किया था।
वो रास्ता तो पूरे दशक में नहीं साफ हुआ, लेकिन साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला जरूर सुना दिया। वो फैसला था विवादित जमीन पर मालिकाना हक को लेकर। कोर्ट ने कहा था कि जमीन तीनों पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला की मूर्ति के बीच बराबर बराबर बांट दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट का वो फैसला किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं हुआ। तब तक लिप्रहन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी थी, उसमें नरसिंह राव को क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं की भूमिका पर सवाल जरूर खड़े हुए। हालांकि आडवाणी पर से आपराधिक षड्यंत्र का मामला अदालत खारिज कर चुकी थी, लेकिन उस माहौल में मालिकाना हक के फैसले से कोई सहमत नहीं हुआ। मालिकाना हक को लेकर उस फैसले को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब कहते हुए खारिज कर दिया। मामला अदालत में एक बार फिर से उलझ गया, क्योंकि रास्ता अब तक जो भी निकला किसी को मंजूर न हुआ। 2014 में जब बीजेपी लोकसभा चुनावों में उतरी तो वो भी संविधान के दायरे में संभावित तरीकों से राम मंदिर के निर्माण की बात करने लगी। कभी मंदिर का निर्माण हर हाल में करने का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटी तो भी स्थिति वही बनी रही, सरकार के रुख में भी और अदालत में भी। बीजेपी की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश J.A.S. खेहर ने भी सलाह दी, विवाद का निपटारा आपसी बातचीत से ही हो सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो वो मध्यस्थ बनने को भी तैयार है। लेकिन बातचीत का वो रास्ता आखिर खुलता क्यों नहीं? वो रास्ता तभी खुलेगा जब दोनों पक्ष बिना किसी आग्रह के साथ आमने सामने बैठेंगे। ये अदालत की सलाह है, इस पर अमल तो बस सियासत के हाथ में है। अयोध्या की कहानी में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।